नमस्कार मित्रों, जय सियाराम। मित्रों, आज एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मुझे कल किसी ने सुनाई, मुझे बहुत अच्छी लगी। एक छोटी सी कहानी एक बड़ा संदेश देती है। हुआ यूँ कि एक राजा ने एक स्वप्न देखा कि सपने में एक साधु उससे कह रहा है कि कल तुमको एक विषैला सर्प काटेगा और उसके काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वह सर्प तुमसे पूर्व जन्म की शत्रुता का बदला लेना चाहता है। अब सुबह राजा सोकर उठा और अपने स्वप्न पर विचार करने लगा और यह भी विचार करने लगा कि अपनी आत्म रक्षा के लिए क्या करना चाहिए। आखिरकार वह इस नतीजे पर पहुंचा कि मधुर व्यवहार से बढ़कर शत्रु को जीतने वाला कोई हथियार इस पृथ्वी पर है नहीं। और राजा ने किया भी यही। शाम होते ही राजा उस पेड़ की जड़ पे, जहाँ सर्प रहता था, उस पेड़ की जड़ से लेकर अपनी शैया तक उस राजा ने फूलों का बिछौना बिछवा दिया, सुगंधित जल का छिड़काव करवा दिया, मीठे दूध के कटोरे जगह जगह रखवा दिए और सेवकों को भी सांप को हानि न पहुँचाने का आदेश दे दिया। अब रात को वो सर्प चलता है राजा को काटने, राजा के महल की तरफ। अब सर्प जैसे जैसे आगे बढ़ा तो वो देख करके आश्चर्यचकित रह गया कि उसके स्वागत की व्यवस्था कितनी सुंदर है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसका मन आनंदित होता चला गया। कोमल बिछौने पर लेटता हुआ मन भावनी सुगंध का रसा स्वादन करता हुआ, जगह जगह मीठा दूध पीता हुआ वह सर्प आगे बढ़ता रहा। और इस तरह मित्रों, क्रोध के स्थान पर संतोष और प्रसन्नता के भाव उसमें बढ़ने लगे। उसका क्रोध कम होता गया और प्रवेश द्वार पर पहुँचते पहुँचते उसका क्रोध नष्ट हो चुका था। अब उस सर्प ने अपने मन से कहा कि जिसे मैं काटने जा रहा था, उसने तो मेरे स्वागत के लिए इतनी सुंदर व्यवस्था की है, अब मैं उसे काटूं तो कैसे काटूं? सर्प के मन में राजा के प्रति स्नेह उमड़ आया। राजा का सद्व्यवहार, नम्रता, मधुरता के जादू ने उस सर्प को मंत्र मुग्ध कर दिया था। अब उसके लिए अपना कार्य करना, राजा को काटना, राजा को मृत्यु की नींद में सुलाना असंभव हो गया। हानि पहुंचाने के लिए आने वाले शत्रु के साथ ऐसा मधुर व्यवहार धन्य है। उस धर्मात्मा राजा को काटूं तो कैसे काटूं, वो सर्प विचार करने लगा। वह दुविधा में पड़ गया। राजा के पलंग तक जाने में सर्प का निश्चय पूरी तरह से बदल चुका था। राजा के पास पहुंचकर वह सर्प बोला, राजन, मैं आया तो था तुम्हें काटने और तुम्हें काटकर अपने पूर्व जन्म का बदला लेने, लेकिन तुम्हारे सद्व्यवहार ने मुझे हरा दिया। अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं, अब मैं तुम्हारा मित्र हूं। मित्रता के उपहार में मैं अपनी बहुमूल्य मणि तुम्हें दे रहा हूं। और वह सर्प राजा के पास अपनी मणि रखकर चला गया। तो मित्रों, जीवन में भी ऐसा होता है। अच्छा व्यवहार कठिन से कठिन कार्यों को सरल बनाने का मादा रखता है। व्यवहार कुशल व्यक्ति वो सब कुछ कर पाता है जो पाने की हार्दिक इच्छा रखता है। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सियाराम, नमस्कार।